सा जी आखो वाहिगुरु अमें देह तो शुभ करे हरे अग पाप सकल मन काम क्रोध अर लो मोह बस करे सब बस सदा सुख मन बस दुख संसार है खोवे गुर नव निद्र आओ जन्म हम कालख धोवे सुख हटल गुर सेविय एन सह सुहाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। ऐही जी सत सुनी अमृत भरी देठी गुरु गोबिंद सिंह साहिब गुरु नानक देव जी दी है। गुरु अंगद देव जी दे टाइम जिन्ने सतसंग जी रोगी दुखी हुंदे तड़के तड़के आके महाराज दे दरा च बैठ जांदे। जदों सतगुरु अंगद देव साहिब जी सतसंग जी समाधि तोड़दे अखां खोलदे सारियां संगतां दृष्टि पा के रोगियां दे रोग दुखियां दे दुख कट के रख दिंदे खालसा जी। इहनूं कहिंदे आ अमृत दृष्टि। दृष्टियां तां सारियां दीआं ही ने सतसंग जी, पर ऐसी अमृत दृष्टि की इच्छा धार के ही आप आए हाँ कि साड़ी दृष्टि विच भी अमृत वरन लग जाए। अपनी दृष्टि सत्संग विषयों की जहर है कि प्रेमियों आखो वाह जिन्ना चर इन्हों नेत्रियां दे अंदर विषय विकार की जहर है देख पराइया चंगी मावा भैं धियां जाने ये विरति नहीं उन्ना चर सत्संग जी गुरबाणी पढ़ के जड़ी अमृत भरी दृष्टि अपनी रसन अपने नेत्रा च आनी है उन्ना चर नहीं आवेगी। सतगुरु जी सतसंग जी अमृत रूप हैं सारे दे दुख चक देंदे जन्मा जन्मा दे जन्म हम कालख धोवे साड़ी जन्मा जन्मा की पापा की कालख धो के रख देंदे। उही सरूप ने अज दसवें जामे सतसंग जी सिंघा ते करनी आलिया ते जिन्हां ने कमाई की है सिरलत सूरमे ने क्यों नहीं अपने पुत्रां नालों भी प्यारियां दे उत्ते सत्संग जी दृष्टि करनगे। दमदमे साहब की भूमि च बैठ के एवें नहीं कहा इन पुत्रन के चार सीस पर बार दिए सत चार चार बूहे तो कहा पाया जीवत लाख हजार। मातावां ने पूछा सी जाके साहबजादे नहीं नजर आउंदे पति देव कित्थे अलोप हो गए यही जवाब दिता सी कि आ भी पुत्र ने मेरे। तो खालसा जी एडा परपकार किसी के अपने पुत्र मार के और दूजे कौन सतसंग जी बना है।